हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज 9 मेजरमेंट। हम चैप्टर नंबर 9 ही देख रहे हैं ना, तो हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट देख लिए हैं। आज हम क्या देखेंगे, मेजरिंग कैपेसिटी। ओके, और मेजरिंग कैपेसिटी को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखिए। पहले तो एग्जाम्पल, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टिक द वन विच कंटेन्स मोर वाटर। अब जिस कंटेन में मोर वाटर आता है उस पर आपको टिक करना है। अंडरस्टैंड, इसको तो आप लोग कर लेंगे कि किसमें ज़्यादा वाटर है किसमें कम है, है ना, तो उसको आप लोग टिक कर देना। ओके, बट क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा वी कैन। अब हम कैसे कैसे कैपेसिटी को मतलब मेजरिंग करते हैं किसी चीज़ को, तो किस ऑब्जेक्ट से हम कर सकते हैं, जैसे वी कैन यूज़ कप्स, जग्स, बकेट्स, बॉटल्स एंड सो ऑन टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड आइटम को हमें मेजरमेंट करने के लिए इन इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि आप देखते होंगे बकेट बाथिंग, जो आप लोग बाथरूम में बाथिंग करते हैं, उस बकेट में अगर हमें वाटर फिल करना है तो कैसे करेंगे, जग से। तो आप उसको काउंट कर सकते हैं कि इसमें इतने जग मैंने वाटर फिल किया है। अंडरस्टैंड, अब बॉटल है, कोई बॉटल में अगर आपको कहीं जाना है तो आपको मिल्क लेके जाना है, तो उसमें कितने ग्लास आप उसमें मिल्क फिल कर रहे हैं, तो आप ये इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें मैंने इतना ग्लास वाटर मिल्क डाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस किस टाइप किन किन चीज़ों से हम कैपेसिटी लिक्विड क्वांटिटी को हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, नेम टू लिक्विड यू ड्रिंक। आप कोई भी टू लिक्विड यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखिए कि आप जो भी आप ड्रिंक करते हैं, जैसे मिल्क है, जूस है, वॉट एवर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल्स हैं ये सारे बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको फिल करना है, और इसको मैं सेपरेट आपको इसकी एक वर्कशीट दूंगी मेजरमेंट की, कैपेसिटी की। ओके, सो देखिए नेक्स्ट है, ए ड्रम कैन होल्ड 4 बकेट्स ऑफ वाटर। ड्रम है तो देखिए वाटर, सो देखिए यहाँ दिया है, ए ड्रम कैन होल्ड 4 बकेट्स ऑफ वाटर, मीन्स ये जो येल्लो कलर का यहाँ पर ड्रम रखा है, इसमें कितने बकेट वाटर फिल हो रहा है, 4 बकेट, यहाँ पर 4 बकेट में वाटर है ना, तो इस येल्लो ड्रम में ओनली 4 वाटर 4 बकेट वाटर फिल हुआ है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है, ए कैन होल्ड 1 बकेट ऑफ वाटर। अब एक ये जो कैन रखा है इसमें ओनली 1 बकेट वाटर फिल हुआ है। अंडरस्टैंड, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, सो द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रम इज मोर देन दैट ऑफ ए कैन। ओके, सो फर्स्ट में आप ड्रम लिख देना, सेकेंड वाले में कैन लिख देना। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में देखिए, वाटर टेक द शेप ऑफ कंटेनर, इट इज पुट इन ईच ऑफ द कंटेनर शोन ब्लो कंटेन 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब कंटेन्स में ग्लास के थ्रू इसमें सारी चीज़ें इसमें फिल की हैं, तो आपको फाइंड बताना है। इसमें बता रहा है कि दिस कैटल, अब देखिए फर्स्ट कैटल में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, दिस कैटल कैन होल्ड 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब जो ये कंटेन रखा है हमारा, जो ये कैटल है, कैटली जिसमें आप लोग चाय वगैरह रखते हैं, तो इस कैटल में कितने ग्लासेस वाटर आया है, देखिए यहाँ पर ग्लासेस आपके बने हुए हैं 1 2 3 4, तो 4 ग्लासेस आपने यहाँ इस कैटल में कितने ग्लासेस वाटर आएगा, 4 ग्लासेस। अब नीचे है, दिस जग कैन होल्ड 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब इस जो जग में कितने ग्लासेस वाटर है, 6, यहाँ पर 6 ग्लास आपके यहाँ पर ड्रॉ भी हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कैटल हैज लेस कैपेसिटी देन द जग। ओके, तो आपको क्या लिख देना है, लेस, यहाँ पर देखिए लिया भी है लेस ऑब्लिक मोर, तो आपको लेस फिल करना है। अंडरस्टैंड, अब देखिए नेक्स्ट है, दिस जग कैन होल्ड 5 कप्स ऑफ मिल्क। अब इस ये जो जग है इसमें 5 कप्स मिल्क फिल हो सकता है। अंडरस्टैंड, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी दे दिए गए हैं, तो आपको ये इससे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ इस जग में कितने कप्स मिल्क आ रहा है, 5 कप्स, और नेक्स्ट बॉटल है, दिस बॉटल कैन होल्ड 4 कप्स ऑफ मिल्क, तो देखिए 4 कप्स बने हैं, तो इस बॉटल में कितने कप्स मिल्क आएगा, 4 कप्स, तो द बॉटल हैज लेस कैपेसिटी देन द जग। तो यहाँ पर भी लेस है क्योंकि बॉटल में कम आएगा, क्योंकि यहाँ 4 ही कप आया है ना, और जग में 5 कप आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
मेजरिंग कप, ठीक है, मेजरिंग कप. नेक्स्ट में आ गया है हमारा मेजरिंग कप. वी मेजर लिक्विड इन लीटर्स, इन लीटर्स. आस्क, अब इसमें क्वेश्चन दे दिए, टीचर से पूछिए आप, टीचर्स की हेल्प से यू फाइंड आउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल दिस मेजरिंग कप. तो अब यहाँ आपको बताना है 1 लीटर. अब 1 लीटर में आप इसमें यहाँ पर ग्लासेस फिल करना है, तो ग्लासेस ऑफ वाटर मेक 1 लीटर. कितने ग्लास आप इस जग में डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो होता है, जो ग्लास होता है वो 10 ml का होता है, ठीक है, 10 ml का, ठीक है. तो इसमें आप यहाँ लिखेंगे 5 ग्लासेस ऑफ वाटर मेक 1 लीटर, मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है. तो एक ग्लास का जो मेजरमेंट है वो 10 ml है, ठीक है. तो 5 ग्लास आप फिल कर देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, मीन्स 5000 ml हो गया. तो 5000 ml इज इक्वल टू, सॉरी, 5 ग्लासेस आप फिल करेंगे इसमें, अंडरस्टैंड. तो 5 ग्लासेस आप फिल कर देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट दिया, एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स एंड राइट मोर और लेस. अब इसमें आपको सब में मोर और लेस फिल करना है, ठीक है. आप क्वेश्चन रीड करिए और इसमें आप फिल करेंगे. इसमें आपको पेरेंट्स के हेल्प की जरूरत पड़ेगी. ये इजीली आपको ये चैप्टर बेटा समझ में नहीं आएगा. इसको मैं बार बार आपको अलग अलग वे से इसको एक्सप्लेन करूँगी और फिर इसकी अलग अलग टाइप से मैं इसकी एक्टिविटी दूंगी, तब आपको इसको ईजिली समझ पाएंगे. तो ये हमारा चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा, बट हम इसको अलग डिफरेंट टाइप से हम इसको इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे, ओके. और मैं अब इसका रिवीजन पैटर्न डालूंगी. अब मैं आगे चैप्टर कंटिन्यू नहीं करूंगी, अब आपको मैं पूरा बैकअप का, जितना भी हमने लेसन्स कंप्लीट कर लिए उसके हम रिवीजन्स डालेंगे, ओके, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमको सम्स कैसे करना है, ओके. तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास ऑफ जूस इज डैश देन ए लीटर. तो आपको यहाँ लेस और मोर लिखना है, तो आप फाइंड करिए. ग्लास ऑफ जूस, कैपेसिटी ऑफ ग्लास ऑफ जूस, तो कम ही आएगा ग्लास में जूस तो, ना, तो यहाँ आएगा लेस देन ए लीटर, ठीक है. अब है द कैपेसिटी ऑफ कॉफी मग इज, अब ये मग बिग है तो यहाँ मोर देन ए लीटर, क्योंकि लीटर्स के इक्वली है, लीटर से बड़ा ही है ये, ठीक है. तो यहाँ पर भी आप यहाँ मोर लिख सकते हैं, ठीक है. अब है द कैपेसिटी ऑफ जग इज देन ए लीटर, तो यहाँ आप मोर लिखेंगे, क्योंकि जग है जो लीटर से बिग है, ठीक है. तो आप यहाँ लिखेंगे मोर देन लीटर. अब नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ क्ले पॉट ऑफ वाटर इज डैश देन ए लीटर. तो पॉट तो लीटर से ऑब्वियसली बिग है ना, तो यहाँ पर भी आप मोर लिखेंगे, अंडरस्टैंड. एंड द कैपेसिटी ऑफ ए किड्स इज प्लस पूल इज डैश देन ए लीटर. अब लीटर से तो आप इस पूल को फिल कर सकते हो, जिसमें ये देख रहे हैं ना बच्चे बाथिंग कर रहे हैं, तो इस पूल को फिल करेंगे आप, लीटर से फिल करोगे, बकेट से करोगे, क्योंकि इसमें मोर वाटर जाएगा, है ना. तो यहाँ आप लिखेंगे मोर, ओके. अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको सेल्फ डिपेंड करना है. यू मस्ट ड्रिंक 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे. अब देखिए एक मैसेज भी है कि आपको एवरी डे 2 liters वाटर ड्रिंक पीना चाहिए. वैसे छोटे बच्चों के लिए है ये, वैसे तो 5 liters हमको वाटर ड्रिंक करना चाहिए, ओके. ये छोटे बच्चे लोग 2 liters वाटर ड्रिंक कर सकते हैं और करना भी चाहिए. तो देखिए, एस्टिमेट हाउ मैनी ग्लासेस दैट विल बी. तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा है, 2 liters ऑफ वाटर इज इक्वल टू डैश ग्लासेस ऑफ वाटर. तो 2 liters ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले में आपने 5 glasses लिखा था 1 liter पे, तो यहाँ आपका 10 glasses आ जाएगा 2 liter के लिए, ओके. तो आप यहाँ लिखेंगे 10 glasses ऑफ वाटर, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड. सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, छोटे हो, आपको इतना तो नहीं समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम. मैं आपको उसको और भी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंड हो जाए, ओके स्टूडेंट्स. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.